हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ली प्लांट के बारे में कि आप अपने चिल्ली के पौधे से सर्दियों में ढेर सारी चिल्लियाँ कैसे प्राप्त करें यानी फरवरी के महीने में ढेर सारी चिल्लियाँ हमारे प्लांट पर कैसे आएँ तो उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं उनका इस्तेमाल करें और पौधे को भी अच्छी तरीके से ग्रीन एवं हेल्थी बनाए रखें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो चिल्ली का प्लांट है वो सर्दियों में यानि फरवरी के महीने में काफ़ी मात्रा में चिल्लियों से भरा हुआ है और जैसे ही सर्दियों का मौसम है वो निकलता जा रहा है यानी टाइम बीतता जा रहा है उसके साथ साथ हमारा जो चिल्ली का प्लांट है वो ग्रीन एम हेल्थी बना हुआ है और काफ़ी मात्रा में चिल्लियाँ भी बनी हुई हैं और गैस यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या जमीन में या बगीचे में चिल्ली प्लांट उगाए हुए हैं और फल फूल नहीं बन पा रहे हैं या फिर चिल्ली बनने से पहले फूल झड़ जाते हैं तो उसके लिए आज की इस वीडियो में मैं ऐसा बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जिसे डालेंगे तो आपका जो चिल्ली का प्लांट है वो ढेर सारी चिल्लियों से भर जाएगा यानी इतनी जो चिल्लियाँ आप सामने देख ही पा रहे होंगे उतनी चिल्लियाँ आप भी अपने पौधे से प्राप्त कर सकेंगे उस फर्टिलाइज़र को डालने से तो गैस अपने पौधे की हमें अच्छी प्रकार से देखभाल सर्दियों के मौसम में करते रहना चाहिए तभी हमारा जो फरवरी का महीना है वो हमें इतनी ढेर सारी चिल्लियाँ देने लगेगा और गैस हमें अपने पौधे की नड़ाई गुड़ाई हर दस से पंद्रह दिन के बीच में करते रहना चाहिए और मैं भी अपने पौधे की नड़ाई गुड़ाई दस से पंद्रह दिन के बीच में करती रहती हूँ और जो उपजा उगा से होती है उसे नड़ाई गुड़ाई करने से हमारा जो प्लांट है वो मजबूत बन जाता है और पौधा भी फलों से इतना भरा रहता है जितना कि मेरा जो चिल्ली का प्लांट है वो उतनी चिल्लियों से लदा हुआ है कि इतनी इस पर पत्ती भी नहीं लगी हुई हैं तो गैस चलिए बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि मैंने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको लेकर अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बना करके रेडी किया हुआ है तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में लगभग एक लीटर के पानी ले रखा है जो कि मैं यहाँ पर एक प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बना कर तैयार करने वाली हूँ और गैस मैंने यहाँ पर एक चीज ली हुई है जो कि आप सामने देख ही रहे होंगे मेरे हाथ में ये जो चीज़ है वो है मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली इसे ऑयल निकालने के बाद ये जो चीज़ बचती है वो सरसों खली है और गैस मैंने यहाँ पर कम से कम पाँच ग्राम के लगभग सरसों खली का इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ भी ले रखी है वो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए ध्यान से तो मैंने यहाँ पर गैस लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लहसुन के छिलके मैंने यहाँ पर साबुत ले रखे हैं यानी लहसुन नहीं लिया हुआ है उसे छील करके चिलकों का इस्तेमाल किया हुआ है और इससे होता क्या है कि हमारे पौधे पर यानी फरवरी के महीने में ढेर सारी चीलें लगने लगेंगी और सर्दियों के मौसम में जाने के टाइम पर हमारा पौधा है वो बिल्कुल मजबूत बन जाएगा और बिल्कुल अच्छी प्रकार से ग्रीन मिलती बना रहेगा तो गैस मैंने यहाँ पर लहसुन के छिलके और मस्टर्ड केक को दोनों चीज़ों को सरसों की कली यानी थी उसे लेकर डाल करके रेडी कर दिया है और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी प्रकार से गुल मिल करके रोडी हो चुका है और रेडी हो जाने के बाद गैस अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में तो हमें अपने पौधे की एक से डेढ़ इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है वो भी अच्छी प्रकार से गुड़ाई करनी है नजदीकी गुड़ाई नहीं करनी है गैस नजदीकी गुड़ाई करने से होता क्या है कि दोस्तों हमारे पौधे की जो रूट्स होती है वो कट जाती हैं और नीचे से जो रूट्स कट गई तो हमारा प्लांट सूख कर मरने लगेगा धीरे धीरे से पौधे की रूट्स सूखती जाती हैं नीचे की ओर से तो गैस अपने पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई करनी है नजदीकी गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है और गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है और गैस एक बार इतना कम कर लेंगे तो हमारा जो चिल्ली का प्लांट है वो फरवरी के महीने में यानी सर्दियों के बीतने के टाइम में अच्छी प्रकार से चिल्लियों से भरा रहेगा और कभी भी चिल्लियों की कमी नहीं पड़ेगी और गैस ढेर सारी चिल्लियाँ पानी है तो इस फर्टिलाइज़र का अवश्य इस्तेमाल करें तो गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें यदि चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें तो गैस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू